द कश्मीर फाइल्स को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं आई हैं। कई सारे कश्मीरी पंडितों के इंटरव्यूज भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जो कह रहे हैं द कश्मीर फाइल्स पिक्चर जो बनाई गई है वो सच्चाई से पूरी तरह से हटकर है, सच्चाई से पूरी तरह से दूर है। उन्होंने कहा कि जो इसमें दिखाया गया है ऐसा हमारे साथ कुछ नहीं हुआ और जो कुछ हुआ है वो इसमें दिखाया ही नहीं गया। निकिता चतुर्वेदी सामाजिक कार्यकर्ता है और प्रदेश कांग्रेस कमेटी की महिला विंग की उपाध्यक्ष है। चाहूँगा कि एक उनका भी बयान है इस फिल्म को लेकर के और बिगड़ते माहौल को लेकर, वो भी आप सुनिए जरूर। आज हमारा ज्वाइन करना जो है एक दूसरे को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो कुछ हो रहा है वो कम से कम हिंदुस्तान वो डिज़र्व नहीं करता, और ना हमारे देश के जो हमारे पूर्वज रहे हैं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, जिन्होंने देश को बनाने के लिए बहुत त्याग बहुत मेहनत की है, आज उनकी मेहनत को ख़त्म किया जा रहा है। और वो देखने के लिए अगर हम मौन होकर बैठे रहे, बहुत लोग पहले भी लड़े हैं आज़ादी की लड़ाई के लिए और हर तरह से, उन लोगों ने भी अगर ये सोचा होता कि मेरे अकेले कहने से क्या होगा तो शायद कुछ। हैप्पी होली अब्दुल भाई। फिलहाल हम अब्दुल भाई, हम आज का मैटर थोड़ा डिफरेंट है, आज हम बहुत इम्पोर्टेंट बात पे बात कर रहे हैं। कुछ ऐसा कुछ हो रहा है हमारे आसपास, स्टेट स्पॉन्सर्ड जिसको कहना चाहिए, कि जिसके लिए हम बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, और अगर तैयारी पहले रखते तो शायद ये चीज़ें नहीं होती, शायद पहले की सरकारों ने लोगों को दबाना नहीं सीखा। लेकिन आज जो कुछ हो रहा है वो बहुत गंदा है और इट्स नॉट वर्थ कि उसको हम बिल्कुल इग्नोर करें। मैं एक ऑडियो चला रही हूँ, मुझे पता है कि बींग अ महिला मुझे ये नहीं सुनना चाहिए और बींग अ मैन किसी को इस तरह की लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी चाहिए, लेकिन हो रहा है इसलिए दिखाना ज़रूरी है और सुनाना भी। संजय बैन तो नेहरू ने गलत किया है, बैन क्या लड़े ने, गांधी ने भी बैन जो 70 साल से ये कांग्रेस अपनी माँ जुदारी थी बैन की लड़ी। संजय मैं, हेलो संजय भाई, देखो यार मैं पूरा काम बना रहा हूँ यार, मैं पूरा मैं बैन जो गांधी सामने नेहरू वाले मैं तो बैन की लड़ी मैं सच में यार मैं झूठ नहीं बोल रहा यार। अभी कहाँ पे हो? कान लगा के सुनिएगा। कहाँ पे हो अभी? अरे मूवी देख के निकला हूँ यार, आपका नंबर नहीं लग रहा था। मैं पूरा साइड में समझ गया था। अभी कौन से टॉकीज में गए थे? अरे ये यार सॉलिट्री बेस्ट है, सॉरी ये यार साकेत। साकेत पीवीआर? हाँ यार। अच्छा टिकट कौन से कितने बजे था तुम्हारा? अरे 4 बजे का था यार। 4 बजे के टिकट कल हम लोग, साढ़े तीन, 4:30 कल हम लोग जाएंगे। संजय यार, संजय माँ कसम नेहरू माँ जी थी, गांधी की लड़ाई थी, गांधी ये नेहरू बैन चोर। चलो ये बात मैं इससे ज्यादा नहीं सुना पाऊंगी, अब मैं सच में इससे ज्यादा नहीं सुनाना चाहती। सरकारें पहले भी रही, सरकारें आज भी हैं। आज़ादी की लड़ाई में बहुत लोगों से डिफरेंसेस रहे होंगे, पर मौजूदा सरकार जब से आई और जब से उन्होंने आने के बाद एक के बाद एक जो है इश्यूज़ को छोड़ के अलग से अपने इश्यूज़ बनाने शुरू किए, ये मौजूदा सरकार ही है जिससे आप कोविड पे कितनी मौतें हुई उसका डाटा मांगेंगे, उसके पास डाटा नहीं है। जब आप उससे ये पूछेंगे कि बेरोज़गारी कितनी है तो सरकार कहेगी कि उसका डाटा नहीं है। जब आप उनसे ये कहेंगे कि महिला उत्पीड़न के बलात्कार के कितने केसेस रोज रिपोर्ट होते हैं तो वो कहेंगे डाटा नहीं है। कोई भी चीज़ जो मौजूदा उसमें हो रही है, कोविड में, कोविड के बाद, कोविड से पहले, नोटबंदी में लाइनों में कितने लोगों की मौतें हुई सरकार कहेगी डाटा नहीं है। कितना पैसा आपने ब्लैक मनी आया वो आपके पास डाटा नहीं है, कुछ नहीं है आपके पास, क्योंकि आपके पास अपने हीरो नहीं थे, वो लोग नहीं थे। जब आप पटेल और नेहरू को सामने खड़ा करते हैं, जब आप गांधी के सामने अपनी इमेज जायंट वाली बनाने की कोशिश करते हैं तो आप भूल जाते हैं, आप इस बात को भूल जाते हैं कि उन लोगों के त्याग, उन लोगों के समर्पण और उन लोगों की जो कुर्बानियां थी ना, वो से आज मौजूदा सरकार जिस तरह से ख़त्म कर रही है। शर्मिंदा होने का समय है, शर्मिंदा होने का समय इसलिए है कि मैं बात सिर्फ कांग्रेस की नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ उन लोगों की जिन्होंने आज तक
कभी भी किसी भी दर्द किसी भी तकलीफ को छुपाया नहीं। जब कश्मीरी पंडितों का वहां से पलायन हो रहा था तो मैंने आपने सबने हम बहुत छोटे छोटे लोग हम सब ने वो देखा है सुना है। अपने आसपास जितने कश्मीरी भाई बहन कश्मीरी पंडित परिवार थे जो लोग वहां से पलायन करके आए उनकी कहानियां हमारे सामने हैं। मेरी बहुत अच्छी दोस्त है पिंकी, उसकी मदर की अभी 2 साल पहले ही डेथ हुई। आंटी ने भी मुझे बताया कि वहां पे क्या हुआ, पर जो दर्द ये सिनेमा बेच रहा है, विवेक अग्निहोत्री जैसा एक सेक्सिस्ट जिसको कहना चाहिए डायरेक्टर, उनकी एक फ्लॉप पत्नी जो सालों से स्ट्रगल कर रही हैं अपना नाम बनाने के लिए, आज प्रधानमंत्री के साथ खड़े होके स्पेशल स्क्रीनिंग के बाद वो प्रधानमंत्री उस देश का प्रधानमंत्री जहां प्रशांत कनौजिया को जेल सिर्फ इसलिए भेज दिया जाता है क्योंकि वो योगी आदित्यनाथ के ऊपर एक कमेंट कर देता है, जहां नरेंद्र मोदी और अमित शाह पे और योगी जैसे नेताओं पे बोलने की हमें आज़ादी नहीं है, वहां ये सरकार जिसके पास कोई डाटा नहीं होता वो कश्मीर फाइल्स की किताब को, और उसके बाद प्रधानमंत्री खड़े होके आपको मंच से ये बताते हैं कि स्पीच ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है उसके ऊपर उसका हनन हो रहा है। वो आपको ये कहते हैं कि जो कुछ हो रहा है उसके लिए वो सरकारें जिंदा रिस्पॉन्सिबल हैं। 1948 में महात्मा गांधी इस देश से नहीं दुनिया को उससे रुखसत हो। 17 साल का गवर्नेंस देने के बाद पंडित नेहरू 1990 तक तो नहीं जिंदा थे, 17 साल का गवर्नेंस देने के बाद पंडित नेहरू भी इस देश से विदा हो गए, दुनिया से विदा हो गए। और फोन है तुम्हारा, और मैं एक चीज जरूर कहना चाहती हूँ कि जो कुछ हो रहा था उसके हमारे आसपास हम उसे जिस तरह से इग्नोर करते जा रहे थे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मुसलमानों के लिए नफरत है, कोई बात नहीं, मॉब लिंचिंग्स है, कोई बात नहीं, एक धर्म विशेष के प्रति है, कोई बात नहीं, दलित जो है हिंदुओं के समुदाय से अलग हो गए, हमारी ही वर्ण व्यवस्था थी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, वहां से कब दलितों को हमने अपने आप से अलग कर दिया, हमने इस पे ध्यान नहीं दिया, हमने इस बात पे भी ध्यान नहीं दिया कि हमारे आसपास जिस तरह का जाल बुना जा रहा है, जिस तरह का सोशल मीडिया हमारे साथ बिहेव कर रहा है उस पे हम किस तरह से रोक लगा सकते हैं, लगाम लगा सकते हैं। कोर्ट तक जाने का समय है, RTI लगाइए, PIA लगाइए, जो भी करिए, लेकिन जो मौजूदा में आज आदरणीय सोनिया गांधी जी ने संसद के अंदर खड़े होके सोनिया गांधी जी ने भी इस बात को रखा है, और वो महिला जो इस देश को अपना पति दे चुकी है, त्याग में बलिदान दिया है उन्होंने अपने पति का, उनकी सास ने अपने देश को अपने आप को इस देश के लिए कुर्बान किया है। इमोशनल हो रही हूँ थोड़ी सी क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मुझे लगता है नहीं होनी चाहिए। गांधी मेरे कुछ नहीं थे, लेकिन मोहनदास करमचंद गांधी से महात्मा गांधी और बापू बनने की यात्रा बहुत त्याग से बनती है। आप किसी के ऊपर भी उंगली उठा सकते हैं, प्रचार आपकी तरफ भी है। जो हो रहा है उससे मेरे आसपास के लोगों से मेरा लगातार जो है मैं डिबेट कर रही हूँ, लड़ रही हूँ, लेकिन मैं एक चीज़ जानती हूँ, ये नफरतें इतनी नहीं होनी चाहिए। आप किसी भी तरह से ऊपर खड़े हो के ये नहीं कह सकते क्योंकि आज आपके पास लाल किले का प्राचीर है, इसका मतलब ये नहीं है कि वहां से खड़े हो के धनाधन धनाधन जो है नरेंद्र मोदी झूठ बोलते रहे। आज हमारी बहन इशरत जहां जिसको दिल्ली दंगों के केस में जेल में भेजा गया था, वो रिहा होकर अपने घर पहुंची। 2 साल उसके बहुत जहां से वो रिपब्लिक को रिप्रेजेंट करती हैं वो 82% नॉन मुस्लिम एरिया है, हिंदू मुस्लिम का प्यार बहुत था, पर दिल्ली दंगों के बाद उससे पहले जहां तक मुझे याद पड़ रहा है कम्युनल राइट्स जो है हिंदुस्तान में बहुत बार हुए, पर बड़े आराम से आपने पूरी की पूरी अपनी विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की जो सरकार थी मुफ्ती मोहम्मद सईद को रुबिया सईद के मैटर को सब कुछ आपने बड़े प्यार से ले जाके अपने गांधी और नेहरू पे डाल दिया। क्या आपको शर्म नहीं आती? नरेंद्र मोदी जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, और उन्हीं के वो बहुत सारे नेता हैं जो ये फिल्म को टैक्स फ्री और ये सब कुछ करने की बात कर रहे हैं, मैं अनुपम खेर जैसे अभी नेताओं से कहना चाहूंगी, मैं विवेक अग्निहोत्री जैसे कलाकारों को से कहना चाहूंगी, अक्षय कुमार से कहना चाहूंगी, और उस तरह के जो वो आपको आजकल गोदी में दिया कर कंगना रनौत पायल रोहतगी ये जो पूरा गैंग एक तरह से काम करता है, अगर हमको दिखाई नहीं देता, अगर हमें ये समझ में नहीं आता कि कहाँ पे जो है नफरत बोई जा रही है, कहाँ पे इतिहास को नंगा किया जा रहा है,
कहाँ इतिहास को नंगा करके उसके ऊपर कालिख पोती जा रही है। हाँ, महात्मा गांधी कपड़े नहीं, धोती पहन के ऊपर शॉल लपेट लेते थे, पर इसका मतलब ये नहीं है उस व्यक्ति का आप कहीं भी चरित्र हनन करेंगे। नेहरू के त्याग कम थे, सीधे सीधे नकार दिया। मैं मानती हूँ आज दामोदर दास की फोटो कहीं नहीं दिखाई देती, ये नरेंद्र मोदी से सवाल करने थी कि अगर आपके पिता दिखाने लायक नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदुस्तान भर के जितने लोग शहीद हुए, जिन्होंने अपने देश को बनाने के लिए ना जाने कितने त्याग किए, आप उनके ऊपर जो है उंगलियां उठा उठा करेंगे। परसेप्शन बदलने की कोशिश हो रही है, मेरी तरफ से गूगल के ऊपर महात्मा गांधी टाइप कीजिएगा, और जब आप महात्मा गांधी टाइप करेंगे तो आपको दिखाई देगा इंडियन लॉयर, यानी महात्मा गांधी का बापू बनने तक का जो सफर है जिसको दुनिया प्रणाम करती है उसको उन्होंने सिरे से नकारा, बिल्कुल सिरे से नकार दिया है। यानी देश में जो कुछ गलत हुआ है वो इसलिए हुआ है कि नेहरू और गांधी ने, उनके साथ हजारों लोग थे लेकिन नेहरू और गांधी इसलिए पकड़ लिए जाते हैं कि गांधी का सरनेम जो है आज की एक मौजूदा पार्टी का प्रतिनिधित्व जो कर रहे हैं वो गांधी है, और नेहरू को इसलिए क्योंकि नेहरू ने 17 साल देके इस देश को बनाया था। वो समय जो है वो सोशल मीडिया का समय नहीं था, जब बापू की एक पुकार पे लोग पैदल चलते हुए, नेहरू जी की एक पुकार पे लोग पैदल चलते हुए हजारों मील चलते हुए उनकी पदयात्राओं को, उनके यात्राओं को या उनके भाषणों को सुनने के लिए पहुँचते थे। और अगर शर्मिंदगी अभी भी ना हो रही हो तो मैं नरेंद्र मोदी जी से फिर रिक्वेस्ट करूँगी, नेहरू जी की, बापू की अंतिम यात्राएं देख ले, इतने लोग आपके पीछे भी होने चाहिए। इसलिए झूठ की राजनीति को छोड़िए, राजनीति दो तरीके से होती है, मैं मानती हूं और मैं इस चीज़ पे न सिर्फ एग्री करती हूं, मैं उसमें बिलीव करती हूं, मेरे अंदर ये फेथ है कि राजनीति सिर्फ दो तरीके से हो सकती है, या तो आप किसी से बेटर कर लें या आप उसे टांग खींच कर गिरा लें। आप जो टांग खींच कर गिराने की राजनीति कर रहे हैं उसका समय ज़रूर बदलेगा। हर काली रात की सुबह होती है, हिटलर ने भी सोचा था कि शायद वो कभी नहीं मरेगा, लेकिन हिटलर का भी अंत हुआ। रावण ने भी नहीं सोचा था कि उसका अंत होगा, लेकिन रावण का भी अंत हुआ। तो आपके घमंड, आपकी जो अंदर से आप में घृणा है, उसका भी अंत होगा। कुछ समझदार लोग जरूर होंगे जब ये जानेंगे कि आप उनकी भावनाओं से खेल रहे हैं। रोते हुए लोग निकल रहे हैं, यानी मैं अगर चाहूँ, आज आप ने कश्मीर फाइल्स बना के जिस तरह से लोगों को, हमने तमस जैसे सीरियल देखे, हमने माचिस जैसी फिल्में देखी हैं, हमने हकीकत देखी है, हमने बॉर्डर जैसी फिल्में भी देखी हैं जहां हमारी देशभक्ति जो है उससे ओतप्रोत है। लेकिन उरी के बाद जो नैरेटिव सेट किया गया, मुझे याद है पहले भी कभी भी कोई प्रधानमंत्री दिखाए जाते थे तो उनकी इमेज नहीं दिखाई जाती थी, एक पीठ के पीछे से रहता था कि बस हाँ ये व्यक्ति जो है ये फलाना हो सकता है। लेकिन आपने इस चीज़ को भी ख़त्म किया, मैं अहम ब्रह्मासी, ये जो आपके अंदर का अहंकार है उसने इस देश के अंदर की भावनाओं को इतना ख़त्म किया है। पोलराइजेशन कर रहे हैं आप, पोलराइजेशन कर रहे हैं कि मुद्दों की राजनीति नहीं हो सकती। मुद्दों की राजनीति करना बहुत आसान है, बहुत आसान है लोगों के लिए रोज़गार क्रिएट कर देना, बहुत आसान है लोगों को, आपकी अगर लोग मानते हैं, लोग सुनते हैं, शिक्षा के जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं हम उसको बढ़ा सकते हैं, एक व्यक्ति से कह सकते हैं दूसरे गरीब बच्चे की शिक्षा स्पॉन्सर कर दे जिसके पास जो सक्षम, हम करने को बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम चाहें तो पैसा आपको पीएम केयर्स में चाहिए क्योंकि वो आपकी अपनी झोली है, पैसा आपके लिए लगाते हैं रिलायंस जैसी कंपनियाँ, बड़ी गाला इन गलोर के साथ जब अंबानी जी की बेटी की शादी होती है, लोगों को बड़ा लैविश और न जाने क्या कुछ दिखाया जाता है, 750 करोड़ की शादी थी, 800 करोड़ की शादी थी। अगर आपके भक्त आके इतनी सुनते तो उस 750 करोड़ की जो शादी हुई उसमें से ना जाने कितने बच्चों का भविष्य आप सुधार सकते हैं जिन्होंने कोरोना काल में अपने पेरेंट्स को खोया है। ऐसे हजारों बच्चे लोग सिलेंडर के लिए तरसते मर गए, लोग आपके MPs MLAs की मैं बात कर रही हूँ जिनको कईयों को तो मैंने भी फ़ोन किया, जो कोविड काल में ऐसे नदारद रहे,
जैसे गधे के सर से सींग गायब होते हैं। आपके नैरेटिव्स जो आप सेट कर रहे हैं वो बहुत गलत है, और इसलिए मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि जो लोग इतिहास को पढ़ते सुनते समझते आए हैं, रोज अपनी फेसबुक से कुछ ना कुछ ऐसा शेयर कीजिए, कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर रखिए, क्योंकि मैं मानती हूँ इस चीज़ को कि निर्भया का दर्द बताने के लिए निर्भया के रेप को आपको पूरा दोबारा गढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप सुन के बौखला गए थे तो उस नफरत को दोबारा कोई भुनाए, और निर्भया के बलात्कार को दोबारा उस तरह से दिखाए जैसे कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्म में दिखाया जा रहा। कितने लोगों को आपने वापस ले जाके बसा दिया। ये एक रिक्वेस्ट मैंने पहले भी कही और मैं फिर कहती हूँ कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ये बहुत ज़रूरी है, मैं तैयार हूँ, मुझ जैसे हज़ारों तैयार होंगे, कि वो 400,000 परिवार जो वहाँ से निकले थे कश्मीर से, उन कश्मीरी पंडितों के परिवारों को दोबारा, क्योंकि मोदी जी कहते हैं 370 हट चुकी है, कश्मीर में सब कुछ ठीक है, आतंक वहाँ से जा चुका है, तो वापस 30-35 साल बाद उन लोगों की घर वापसी का टाइम है, 32 साल बाद उन लोगों को उनके घर भेजिए। और मेरी अनुपम खेर, विवेक अग्निहोत्री, पल्लवी जोशी, इन सारे एक्टर एक्ट्रेसेस से, मेरी पूरी डायरेक्टर से, प्रोड्यूसर से, सभी से अनुरोध है कि जो पैसा आपने इस फिल्म से कमाया है उस पूरे के पूरे पैसे को आप कश्मीर में उस जगह के डेवलपमेंट में लगाएंगे जहां कश्मीरी पंडितों के परिवार रहते थे, उनके घरों के पर्दों से लेकर टॉयलेट की टाइल्स तक ठीक कराएंगे आप, जनता देगी आप दोबारा देगी। कुछ अच्छा करके, कुछ कमाना चाहते हैं तो अच्छा करके कमाइएगा। ये जो नफरत आप बो रहे हैं, आपके कहने से हीरो जो हैं वो जीरो नहीं हो जाएंगे। आरुषि मर्डर केस आपको याद होगा, आरुषि के पेरेंट्स को ब्लेम करके बकायदा उन्हें जेल भेजा गया, वो लोग सजा काट रहे थे, दोबारा केस शुरू हुआ और उसके पेरेंट्स आज बाहर हैं, पर आरुषि का मर्डर हुआ, हेमराज का मर्डर हुआ, यानी कोई कातिल था। तो हमें जब आज़ादी मिली तो शहीद आज़म बहुत पहले इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे, बोस इस दुनिया में नहीं थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आप हर व्यक्ति के सामने एक बड़ी इमेज क्रिएट करने की कोशिश करते हैं और उस इमेज को आप इस तरह से क्रिएट करते हैं ताकि ये लगे कि जिसको ये कुछ हो सकता था पर इसने बनने नहीं दिया। वो लोग जो आज़ादी की लड़ाई में लड़ रहे थे, एक दूसरे के साथ थे, उन्होंने गलती से भी कभी नहीं सोचा होगा कि एक ऐसी सरकार आएगी जो अपनी धृष्टता, अपनी धूर्तता और अपनी नीचता से इतिहास को इस तरह काला करेगी। सरकार आपकी थी, सेना आपकी थी, अगर आप हाउस द जोश करते हुए अगर आप पाकिस्तान में जाके बम्बार्डिंग कर सकते हैं तो आप अपने कश्मीर को बचा सकते थे, बात नियत की है, बात है नियत की। उसके बाद हज़ारों ऐसे दंगे हुए, न सिर्फ दंगे हुए, कश्मीरी पंडितों का जो पलायन हुआ उसके बाद की बाद की सरकारों ने क्या उनके लिए कुछ भी नहीं किया, और अगर किया तो किस हद तक किया। मैं कश्मीरी पंडितों के उन परिवारों से भी कहना चाहता हूँ कि अगर आपके लिए कुछ किया गया है तो इस राजनीति का हिस्सा मत बनिए। गांधी और नेहरू कभी जिम्मेदार नहीं थे, 1947 से लेकर 1990 तक आप लोग अपने उस धरती के स्वर्ग में बड़े सुकून से जिए, और अगर किसी ने नफरत बोई है, नफरत किसने बोई, वो दंगा क्यों हुआ, वहाँ पे आतंकवादियों ने ये पर्चे क्यों लगाए, ये सबको पता है। तो किसी की राजनीति, चाहे वो धर्म को लेके हो, चाहे वो किसी भी तरह की राजनीति हो, राजनीति होती है मुद्दों की, धर्म निजी है, लेकिन मुद्दे सबके साझा हैं। तो मेरा अनुरोध है सबसे कि बात ये नहीं है कि हमने कितने लोगों को खोया, बात ये है कि जिनको खोया आज वो अगर बगली के बकरे बन रहे हैं तो बहुत शर्मिंदगी की बात है। मैं इतिहास का ये कालापन जो देख रही हूँ, मेरा मन रोता है, क्योंकि लोगों के बहुत त्याग हैं, बहुत त्याग है। आदरणीय शीला दीक्षित जी की बात करती हूँ, उनकी पोती राजनीति में इंटरेस्टेड नहीं, उसको लगता है कि उसकी ग्रैंड मदर के साथ जो हुआ वो राजनीति का सबसे कुरूप चेहरा है। क्यों है,
क्यों युवा इस तरह की राजनीति का हिस्सा नहीं बनना चाहते? वो इसलिए नहीं बनना चाहते क्योंकि वो बच्ची ये कहती है कि जो मेरी जिंदगी में 15 साल वो दे सकती थी उन्होंने दिल्ली को, और क्योंकि दिल्ली ने उनके साथ बहुत खराब किया तो मैं मानती हूँ कि राजनीति बहुत थैंकलेस जॉब है और इसमें नहीं आना चाहिए। और आज नेहरू गांधी के साथ जो हो रहा है वो सच में थैंकलेस। मैंने जो आपको सुनाया उसको मैं पूरा सुन के मेरे हाथ पैर कांप रहे थे और मैंने बड़ी मुश्किल से इसे होल्ड करके आपको सुनाया। ये गालियाँ वो लोग डिज़र्व नहीं करते। हमने आपने शायद ही ऐसी कोई चीज़ हो, क्या हमने दंगे नहीं सुने? क्या हमने विघटन नहीं सुना? क्या हमने उस टाइम की कहानियाँ नहीं सुनी? जब भी कहीं कुछ हुआ है कौन से ऐसे न्यूज़पेपर ने, कौन से ऐसे टीवी चैनल ने? तब तो सिर्फ दूरदर्शन हुआ करता था, हमारे पास समाचार फिर भी होते थे, पर लोगों की भावनाओं को, लोगों के इमोशंस को अपने लिए खेलने का जरिया बना लिया जाए, इससे ज़्यादा शर्मिंदगी की बात हो ही नहीं सकती। आज़ादी मिली थी, बहुत लोगों के त्याग से मिली थी, और जिन लोगों को आज ये खटखरे में खड़े करते हैं और जिन लोगों को ये अपना हीरो मानते हैं, मैं पूछना चाहती हूँ संघ के विचारकों से, मैं पूछना चाहती हूँ उन लोगों से जो संघ और RSS की विचारधारा के फॉलोअर्स हैं और आज भाजपा के नाम पर बड़ी ज़ोर ज़ोर से चीख चीख के जय श्री राम के नारे लगा के दूसरों को ये बताते हैं कि उनके अंदर जो है वो धर्म जो है वो उबाले मर रहा है। उनसे सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस लड़ने के लिए आज़ाद हिंद सेना का गठन कर रहे थे, कितने RSS और भाजपा के RSS के कार्यकर्ता जो है उससे जाकर जुड़े थे? कितने लोग थे जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंडिया की तरफ से, चाहे अंग्रेज़ों की सेना थी, लेकिन यहाँ से जाकर लड़े थे? इतिहास में जो कुछ है उसे ख़त्म कर देना इतना आसान नहीं है। आपको लगता है अमर जवान ज्योति से आपने वो ज्योत हटा दी तो वहाँ की जो ऑथेंसिटी है वो ख़त्म हो जाएगी? आज उस एरिया पे जाके आप कितना, उस राजपथ ने बहुत गौरव देखा है, राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट को क्रॉस करके वो जो पथ था ना जहाँ आज अपना घर बनवा रहे हैं, आशियाना बना रहे हैं, उसने देश का सबसे ज़्यादा गौरव वाला समय देखा है। हमारे देश के लगभग हर राज्य की उन्नति देखी, तरक्की देखी, सेना का हो, कल्चरल हो, बिजनेस इकोनॉमिक हो, सारे डेवलपमेंट्स सब कुछ आपके सामने थे, पर आपने उसे ख़त्म करने की उसे 2-3 साल से जिस तरह से आप झुंड के अंदर बैठ के 15 अगस्त डब्बों के अंदर बैठ के 15 अगस्त मनाते, जैसे 15 अगस्त आपका निजी है, 26 जनवरी आपकी निजी है, लोग सिर्फ तब इन्वाइटेड होते हैं जब उनको कार्ड दिए जाते हैं, जनता से जनता के अधिकार छीनने के बाद आप जनता के नेता बनने की कोशिश में, चुनाव कोई भी जीत जाता है, बैलेट पेपर आपका हो, EVM आपका हो ना हो, बैलेट पेपर आपका हो ना हो, चुनाव आयोग आपका है, जो रिजल्ट है उससे भी मैं बिल्कुल किसी भी तरह से उस पर एग्री नहीं करती। और मेरी दरख्वास्त है उन लोगों से जिन्होंने आज तक इतिहास पढ़ा है, अपने इतिहास में से निकालिए एक एक इतिहास में से एक एक व्यक्ति को। मैं शुरुआत करती हूँ मदन मोहन मालवीय से शुरू कीजिए, लाला लाजपत राय पे आइए, सरदार पटेल पे आइए, आज़ादी की लड़ाई में मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद पर आइए, और राजेंद्र प्रसाद पे आइए, नेहरू पे आइए, गांधी पे आइए, सबको एक 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 करते हुए उनके बारे में लिखना शुरू कीजिए, अपने बच्चों को बताइए। सोशल मीडिया वो दिखा रहा है जो सोशल मीडिया की मर्जी है। जिस तरह से सोशल मीडिया ने हमारे आपके घरों को और हमारे दिमागों को हाईजैक किया है, उसको थोड़ा सा नीचे लाने की कोशिश कीजिए। इतिहास एक दिन में नहीं बनाया जाता, कालिख एक सेकंड में पोत दी जाती है। हम कोई पोस्टर बैनर डिज़ाइन करते हैं, शादी का कार्ड डिज़ाइन करते हैं, इनविटेशन डिज़ाइन करते हैं, घंटों लगते हैं उसको बनाने में, डिलीट करने में 1 मिनट लगता है। मेरी आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, इस देश में जो कुछ हो रहा है उसे रोकिए, अपने अपने फेसबुक को, अपने ट्विटर को, अपने व्हाट्सएप को उस जानकारी के लिए तैयार रखिए, कंटेंट लिखिए। मैं चाहती हूँ कि प्रोफेसर राम पुनियानी जैसे लोगों को आप पढ़ें, जो लोग नेहरूवियन हैं, जो लोग गांधियन हैं, उन सभी लोगों को पढ़ने की कोशिश कीजिए। शाहनवाज भाई बताते हैं कि एक किताब है ओशो की, राजनीति और धर्म, उसे भी ज़रूर पढ़िएगा, बहुत चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत है। इसमें जो कुछ दिखता है आपको सोशल मीडिया पे वो एक अलग चीज़ है, लेकिन ना नेहरू ये गालियाँ डिज़र्व करते हैं ना गांधी जी ये।
डिजर्व करते हैं। बहुत मेहनत, बहुत त्याग, पता नहीं क्या कुछ। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी जानते हैं कि जब वो यहां से बाहर जाते हैं तो उन्हें साष्टांग दंडवत गांधी के सामने ही करना पड़ता है। जब उनसे दूसरे राजनयिक जो हैं वो ये कहते हैं, मैं आपका स्वागत करता हूं क्योंकि आप गांधी और नेहरू की धरती से आते हैं, तो आप कितना भी खींचने की कोशिश कीजिए, उनके कद बहुत ऊंचे हैं। और हर चीज़ का अंत होता है, तो इस बुराई का अंत भी होगा। मैंने कहा ना, हिटलर का हुआ था, रावण का हुआ था, कंस का हुआ था, नफरत का भी होगा, ज़रूर होगा। अपने सोशल मीडिया पर ध्यान दीजिए, जहाँ कुछ गलत है उस पर प्लीज़ लड़ने से, बहस करने से मत बचिएगा। वो जो कह सकते हैं सिर्फ ज़ुबान से कह सकते हैं, हमें आपको करना है, क्योंकि हमारे देश के लिए जो जिन लोगों ने कुछ किया है, जो लोग मैटर करते हैं, जिनका होना मैटर करता था, उनके लिए ज़रूर बोलिएगा।